सब समय को मेरा नमस्कार। मैं आपका इंडियन फार्मर, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर अर्जुन नोवा 605 और उसके पीछे 8 फुट रोटावेटर। और भाई बारिश में गेहूँ बोने पड़ रहे हैं, अब किसान करे भी तो करे कहाँ, अब गेहूँ ने बोगा तो फिर खाओगा कहाँ से। तो भाई अब देखो बरसात में आप दुखे होंगे, यहाँ पे कीचड़ बिल्कुल ही हो लेसड़े से, ये देखो ये पड़े लेसड़े हो रहे हो पूरे, बिल्कुल गार आए हो। अरे फिर भी यहाँ पे गेहूँ बोने पड़ रहे हैं, यानी फिर सीजन चला जाएगा फिर गेहूँ का, किसान को तो जुदी कर रखा है बारिश ने। और भाई ट्रैक्टर के अंदर कोई कुछ खास लोड नहीं है, आराम चल रहा है ट्रैक्टर। ये 55 HP का दिख है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादा मैं जानता नहीं इसके बारे में। और इसके अच्छा रोटावेटर शक्तिमान का 8 फुट से चल रहा, शक्तिमान रोटावेटर है 8 फुट का। पीछे व्यू देखो आप थोड़ा सा, अभी देखो साइडों में अभी कोहरा तो खूब ही चल रहा है इस टाइम। देखो दूर दूर जंगल तक कहीं भी नहीं कोई भी नहीं आ रहा, जड्डा बहुत पड़ रहा। ये देखो हमारे यहाँ पे गेहूँ भाई ना तो यहाँ कहीं मशीन से बोए जाते ना किसी चीज़ से बोए जाते, या सिर्फ हाथों से बोए जाएं। और देखो कितने भर के आ रहे हैं। खैर हमारे यहाँ पे मशीन भी आई थी, मशीन से ही बो के देखे किसानों ने, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता जैसे दो गेहूँ अट जाते थे आपस में, तो फिर वो पूरी की पूरी लाइन खाली चली जाती थी। तो इसके वजह से फिर किसानों ने अभी इससे बोना बंद कर दिया मशीनों से। अब कहीं और बो रहे हो तो फिर मैं कहता नहीं, अब तो यहाँ पे हाथों से बीज बखेर देते हैं और फिर रोटर चल जाता है। देखो ये रे इसमें भी बो दिए हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको ये रे, और ये सिर्फ हाथों से डाल रखे है। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।